नमस्कार दोस्तों, इस माय ट्रिप में 1 जुलाई 2024 की एक बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल के सामने आ रही है जो आप लोगों को मैं नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, एक MOU पे इन्होंने साइन किया है उत्तर प्रदेश के टूरिज्म विभाग के साथ, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। इज माई ट्रिप ने उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, और इसी की वजह से देखिए इसी न्यूज, ये 9:30 बजे के आसपास न्यूज आई है, और देखिए 9:25 पे कितनी बड़ी सी कैंडल बनी है। बनी है ना कैंडल, ये इसी न्यूज की वजह से कैंडल बनी हुई है, और इसी वजह से मुझे पता भी चला। देखिए वहीं पे इज माई ट्रिप ने उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, बोर्ड राज्य पर्यटन को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। वहीं पे बताया गया कि नई दिल्ली 1 जुलाई 2024 भारत की अग्रणी ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म इज माई ट्रिप ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड UPETDB के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, जो प्रचार और पर्यटन गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह समझौता ज्ञापन उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण पहाड़ी उद्यान जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना और आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री श्री शंकर मिश्रा दया शंकर मिश्रा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये दो मंत्रियों की उपस्थिति में ये जो है हस्ताक्षर किया गया है। इसमें करना क्या है, तो देखिए इसमें बहुत लंबा चौड़ा बताया गया है, यहाँ पे सारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सीधा सीधा मैं आप लोगों को समझा दूँ कि क्या यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे जो भी पर्यटन है उनको बढ़ावा देने का ये लोग काम करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि इज माई ट्रिप ना इस सहयोग के तहत इज माई ट्रिप अपने ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के सभी पंजीकृत होम स्टे को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा। और देखिए होम स्टे के रूप में इनकी एक और वीडियो मतलब अपडेट आया था, जिसमें मैं बताया था वीडियो बना के कि अब ये होम स्टे पे ज़्यादा भी फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे होटल होटल उतने बड़े बड़े नहीं हैं। तो होम स्टे में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपना एक घर बना के, या फिर कुछ कहने रिसोर्ट टाइप का होता है, उसको जो है वो किराए पे देते हैं। मतलब रुकने के लिए 1-2 दिन के लिए आप उसको बुक कर सकते हो, होटल पूरा नहीं। होटल से जो है मतलब कह लें कि सस्ता भी पड़ जाता है और अच्छा भी पड़ जाता है, प्राइवेसी का भी उसमें कोई वैसा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपको अकेले ही रहना है वहाँ पे, ठीक है ना, और सारी सुविधा वहाँ पे रहेगी। तो होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे काम करेंगे ये लोग। बाकी कुछ जो है पार्क वर्क टाइप है, उनका भी विकास किया जाएगा। पशु पक्षी जो हैं उनका भी यहाँ पे कह लें कि उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, उनका भी विकास किया जाएगा, उनको भी कहा जाएगा। और इन उत्पादों को स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थान में जो है उन्नत टूर गाइड गाइड के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे ये कहा जाएगा कि कुछ स्कूल और कॉलेज जो संस्थाएं रहेंगी उनके पास ये लोग जा जाके कुछ प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण किस चीज़ का, तो टूर गाइड, जो कोई अगर बाहर से आता है ना तो आपके प्रदेश में पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कौन सा चीज़ क्या है, वो देख तो लेगा लेकिन पता नहीं उसको उसका हिस्ट्री क्या है। वो एक गाइड जो मतलब तो पता ही है गाइड क्या होता है, तो कोई एक गाइड करने वाला रहता है कि नहीं ये यहाँ पे ये चीज़ है ऐसे है वैसे बताने के लिए। तो वो प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि और भी गाइड करने वाले लोग जो है बन सकें, और वो जो है बनेंगे तो नॉर्मल सी बात है दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे और वो सुविधा देंगे, तो फिर सभी लोगों को समझाएंगे, एक को अच्छा लगेगा दूसरा भी आएगा। तो इस तरह से एक तरह से इसे कह लें कि रोजगार भी उत्पन्न हो जाएगा और बढ़िया सा बिजनेस भी बढ़ जाएगा हमारा, टूर एंड ट्रेवल वाला जो कह लें कि, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पर्यटन वाला तो बढ़िया है, ठीक है ना न्यूज, यही मतलब मेन मेन यही पे कहा गया है। और बाकी अगर देखेंगे हम लोग तो साझेदारी श्रीकांत पिट्टी का आया है, इनके संस्थापक हैं श्रीकांत पिट्टी के, ये जो हैं इस साझेदारी को करके बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं, और आगे भी इस तरह से जो है ये करते रहेंगे, ठीक है ना। और प्राकृतिक सुंदरता ऐसे एक अनदेखे और अनदेखे गंतव्यों की मेजबानी करता है, मतलब जो जहाँ पे कोई नहीं जानता है जिसको, उसका विकास करना, थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना अपनी वेबसाइट पे, ठीक है ना, उसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज इस टाइप का अनाउंस कर देना, कुछ छूट देना, इस तरह से ये सब करने वाले हैं ये लोग, तो बढ़िया सा हो जाएगा, देखते हैं। अगर आज अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक तो केवल 13 लाख इक्विटी से ट्रेड हुआ, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हुए वहीं 30 मिनट के आसपास हुआ है।
5 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, 53% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सामने आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो, रिफ्रेश कर दिया हूँ, 18 करोड़, 18 करोड़ 8 लाख, 8 करोड़ का शेयर ट्रेड हुआ है और 53% डिलीवरी परसेंटेज सेम है। किसी भी एसएम ओएसएम के लिस्ट में शेयर नहीं है। यहाँ पे अपडेट आया था, जहाँ से ये अपडेट आया है, हालांकि सुबह से ही हो सकता है पता था लोगों को, तो 2% का हाई लगाया है, 2% की तेजी, लेकिन फाइनली जो है 1.25% की तेजी के साथ ये ट्रेड करा है। डेली कैंडल पे मैं आप लोगों को अभी कल परसों में अभी सैटरडे या संडे को वीडियो बनाया था एक एजमेटिव की, उसमें बताया था कि 40 के ऊपर ऊपर है तब तो एक चांस है कि ये यहाँ से एक बार ऊपर जाके 44 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तब तो ठीक है, थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ यहाँ से एक तेजी आने वाली है, ठीक है ना। इसके ऊपर ऊपर 44 के रहेगा तो बढ़िया है, 44 के नीचे नीचे रहेगा तो फिर तो 40 तो सपोर्ट दे ही देगा इसको, लेकिन 40 ब्रेक होता है तो इसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 34 रुपये, 35 रुपये, 32 रुपये तक भी नीचे की साइड में जा सकता है, ऐसी संभावना। फिलहाल में इसमें निगेटिव व्यू है, साइडवेज का व्यू है, निगेटिव व्यू है, तेजी का भी मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे व्यू नहीं है, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल जाता अच्छा सा तब तक उतना ज़्यादा तेजी रहेगा, क्योंकि जो ये मैं अभी रेंज ड्रॉ किया हूँ ना, देखिए आप लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे ना तो ये बहुत परफेक्टली जो है एक जोन बना है, और इसको अगर हम लोग जोन को ऐसे फैलाएंगे तो ये और थोड़ा सा बड़ा जोन बन जाएगा। तो ये एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस पहले का था, आपका सपोर्ट है, फिर से रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, देखते हैं। फिलहाल में दिक्कत है इस शेयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंसोलिडेट किया है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है भाई, 2023 मार्च से ही कंसोलिडेट कर रहा है, और मार्च बीता तो 1 साल हो गया, अभी जो है ये जुलाई में एंटर कर रहा है, तो 1.25 साल के आसपास ये जो है, अभी तो 1.5 साल भी हो जाएगा, हाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ गया, हाँ लंबे टाइम फ्रेम में अगर ये मोमेंटम किया ना तो अच्छा खासा टारगेट देगा हम लोगों को, 64 रुपये तक का, मैं आप लोगों को बहुत पहले से टारगेट बता के रखा हूँ, तो 64 रुपये तक का टारगेट देगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए।